हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और ठीक होंगे। देखिए, अभी हम ड्यूटी से आ चुके हैं, सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, इसलिए सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाते हैं। ज़्यादातर हम शाम का ही ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि ड्यूटी से आते तो 6 बज जाता है, सुबह 6 बजे ड्यूटी जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलने के कारण मैं शाम में आने के बाद ब्लॉग बनाता हूँ। और अभी देखिए, नाश्ता तो कर लिए हैं अभी, तो ये पीछे पीछे रिशु भी घूम रहा है, ये भी कुछ बोलना चाह रहा है। देखिए, हाँ कुछ लकड़ी है, छोटा छोटा मेरे पास, और थोड़ा बड़ा लकड़ी है इसलिए क्योंकि हम लोग फायर कर रहे हैं। अच्छा, आइए बाहर। रिशु बोलना चाह रहा है कि अभी ठंड बहुत ज्यादा है, तो घर के बाहर छोटा बाबू के लिए लकड़ी जलाया जा रहा है और छोटा बाबू बाहर बैठा हुआ है, और वो आग आग ताप रहा टाप है। के सो रहा है, खटाटा बेच के ऐसे देखिए ऐसे। हाँ, बाबू, छोटा बाबू सो रहा है, उसको अभी तेल लगाया जाएगा ना, इसीलिए लकड़ी पे हाँ, सुलगाया जा रहा है। इसीलिए सभी लोग ठंड में लकड़ी बाहर जल ताप रहे रहा हैं। है, थोड़ा देर में फिर अंदर भी आएगा और वो तेज लगाएगा। हाँ, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, बाहर में आग जल चलिए रहा है। सो ये रिस्को भी दिखाएगा सबको कि बाहर क्या हो रहा है। देखिए, रिस्को की मम्मी आग ठंड में आग से हाथ ताप रहे हैं। देखिए, बाबू भी सेका जा रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है सिक्किम में, तो बहुत ज़्यादा आपको ठंड पता ही है, हम लोग बिहार के हैं तो आग तो तापेंगे ही। तो आग सेका जा रहा है। अरीना जी बाहर में हैं, इन ये भी अपना हाथ वगैरह गर्म कर रहे हैं, सेक रहे हैं। इसके बाद अभी आग ताप रहा है बाबू, इसके बाद फिर दादी उसको तेल लगाएगी, फिर दिखाएंगे दादी को तेल लगाते हैं। छोटा से बड़ा लकड़ी हाँ, ये लकड़ी है, ये भी रिशु लकड़ी को आग में डाल रहा है, जला रहा है रिशु भी। देखिए दोस्त, हमने जैसा कहा था, बाबू को भी तेल लग रहा है और यहाँ पर आग भी आ रहा है, यहाँ पर तेल भी सबको डाल दी है क्योंकि इसको तेल भी लगाना है। हाँ, छोटा छोटा बाबू को तेल लगाया जा रहा है। अभी देखिए, आग सेक के दादी तेल लगा रही है, सानू का तेल लग रहा है अभी। हाँ, रिशु खिला रहा है, रो रहा है तो बाबू को। बाबू को अभी तेल लगाया जा रहा है, दादी तेल लगा रही है और हाँ, और बाबू की मम्मी देखो उधर नाश्ता बना रही है रिशु रिशु के लिए। छोटा रिशु के लिए, हाँ, छोटा रिश्ता भी नहीं ना खाएगा। हाँ, अभी बाबू को देखिए, अभी इधर तेल लगा जा रहा है, ताक भी रहा है, देख रहा है रिशु को, तरफ देख रहा है। हाँ, सबको देख रहा है बाबू, कौन कौन यहाँ बैठा है, सबको चीन रहा है। रिशु को तो, हाँ, रिशु को तो बहुत बड़ा होगा तो बहुत पीटेगा। देखिए, अब लगभग तेल लगाया हो चुका होने वाला है बाबू को, रिशु को बाल देख रहा है और हम लोग बाबू की निगरानी कर रहे हैं, बदमाशी नहीं कर रहे। और इधर नाश्ता भी बन के रेडी हो गया, क्या है ये है मैगी। तो दोस्तों, अभी दिखाए थे बाबू को तेल लग रहा था, तेल हो गया, और उसके बाद देखिए बाबू दादी दादू का गोदी में गाना सुन रहा है और सो रहा है, और इधर दादी थोड़ा रेस्ट कर रही है, और इधर देखिए रीना जी खाना बना रहे हैं, आप सभी को दिखाते हैं अभी। देखिए, रीना जी खाना बना रहे हैं रात का, क्या बन रहा है, कैसे हैं आप सब? देखिए, बहुत दिन बाद रीना जी आज हेलो गाइस बोले हैं आप सभी को। खाने बन रहा है चावल दाल और पालक आलू का सब्जी और बैगन का पकौड़ा।
चेहरे पर स्माइल कितना स्मार्टनेस ज्यादा दिख रहा है कुछ बना रहे इसलिए आज रात में चावल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि टायर्ड हो चुके हैं, माँ भी टायर्ड हो गई है, हम भी थक चुके हैं, माँ भी थक चुकी है। बाबू इतना परेशानी करता है, फटाफट चावल ही बना रहे हैं। और दोपहर में चावल नहीं बना था, रोटी ही बना था, इसलिए सबका मन हुआ चावल खाने का। चावल के साथ में क्या बन रहा है? चावल ये तो लग रहा है पालक है, पालक आलू का सब्जी, पालक सूखा सब्जी और आलू का सब्जी दिखाते हैं। बैगन का पकौड़ा, आलू का सब्जी और बैगन का पकौड़ा बनेगा, पकौड़ा बनेगा। ये बेसन मिला, क्या बेसन? अच्छा बेसन। इधर चावल चढ़ा हुआ है राइस कुकर में। इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा रीना जी देखिए, इधर बर्तन भी धो रहे हैं साथ में और उधर खाना ही बन रहा है। तो दूध पी लिया है, दादा का गोदी में है, बहुत रो रहा था, इसलिए दूर में मोबाइल रख के उसको गाना सुना रहे हैं। हाँ चुप रहे कम से कम। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे गाय, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है ना ड्यूटी करने के बाद भी, इसलिए थोड़ा कभी कभी किसी दिन मिस हो जाता है, ब्लॉक नहीं बना पाते क्योंकि हम भी थके हुए रहते हैं। तो सोचा आज दो दिन हो गया, चलो आज बना लेते हैं ब्लॉक, तो फिर से बना लिए। फिर बाबू देखे दादाजी देखिए क्या कर रहे हैं, बाबू को गाना सुना रहे हैं। और उधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि साउंड आ जाएगा तो कॉपीराइट हो जाएगा, इसके चलते दूर से मैं आप सभी को दिखा रहे हैं। अब इधर देखिए दादू दादी रिशु मोबाइल चला रहा है, तब तक रीना जी इधर खाने में लगे हुए हैं। हो ही जाएगा और आधे घंटे का है, हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। रात भर सोने नहीं देता, दिन में सोता है रात में जगता है, लेकिन रात में आधा एक घंटा है। फ्रेंड देखिए अभी तक कार्यक्रम चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पदी पकौड़ा है, ये खाना निकालेंगे और खाएंगे सब। और हो गया, हाँ वरीना जी खाना निकालेंगे और खाएंगे। देखिए कितना अच्छा बनाए हैं पकौड़ा, देखिए बैगन पकौड़ा है उधर, आलू आलू और पत्ता गोभी, ये पालक सॉरी पालक की सब्जी, ये बैंगन का पकौड़ा। तेल कम है लेकिन ठीक है, बहुत है उतना तेल, तेल में डूबा है तो कम क्या है, ठीक ही है, हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज ब्लॉग को जरूर देखिए, हम लोग का डेली जब भी ब्लॉग अपडेट करें आप लोग प्लीज देखा करिए पूरा, और कमेंट करिए ताकि हम लोग को लगे कि हाँ भाई ब्लॉग लोग मेरा देखता है, हम लोग को भी पता चले हाँ ब्लॉग हाँ कैसा बनता है। लाइक से पता नहीं चलता है लेकिन कमेंट करने से जरूर पता चलेगा हाँ भाई इन्होंने हमारा ब्लॉग देखा है, तो जरूर कमेंट करें प्लीज। मिर्ची का पकौड़ा किसको खाना है? बाप रे ठंडी में मिर्ची का पकौड़ा। तो फ्रेंड मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही, आप भी आइए खाने। तो गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट। छोटा बाबू भी सो गया है अपना दादा को, दिन में टाइम नहीं मिलता जिसके कारण हम लोग दिन में नहीं बना पाते, जब भी टाइम मिलता है जिसे रात में ही टाइम मिलता है तो रात में ही हम लोग बना लेते हैं। जो मैं बोल रहा था वो किसी का और नहीं था बल्कि मेरा ही था आवाज। हां रिशु का आवाज था, इसलिए रिशु का ब्लॉग जरूर देखिएगा प्लीज। गुड नाइट। अच्छा मेरा बड़ा किसी